यहाँ पर आप देख रहे हो थ्री वे वॉल मिक्सचर का लाइन था, जो इस घर का ऑनर का पसंद नहीं है, इसलिए उसने कुछ अलग नया करना चाहता है। तो हम देखते हैं क्या नया होता है। यहाँ पर देखिए जैक्वार का थर्मोस्टैटिक शावर मिक्सचर है, ये थ्री वे है। इसमें एक ओवरहेड शावर का लाइन है और एक स्पाउट का और एक हैंड शावर का। तो इसका ये बॉक्स है, इसका प्राइस भी यहाँ पर दिया हुआ है 10,500 लगभग। और हम इसको फिटिंग करेंगे तो इसके लिए CPVC पाइप चाहिए, ये 1 इंच वाला, ये 20 mm का है, 20 mm का डायवेटर है, थ्री वे डायवेटर। तो हम अच्छी तरह से इसे MTA लगा के फिट करेंगे और टाइट भी लगाएंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पीड लगा दिया, देखिए ये हमारा फिट हो गया। अभी इसे कुछ टाइट बाकी है, इसे टाइट लगा देंगे अच्छी तरह से। और सब कुछ टाइट हो चुका है, ये मेरा मैं MTA वॉल पॉइंट में लगा दिया। ये जो CPVC पाइप का जो टुकड़ा है, ये हम एक पासवर्ड के साथ हॉट वाटर लाइन में लगाएंगे। ये वाला हॉट वाटर का लाइन है, गीजर का लाइन है, गीजर का लाइन में हम लगाएंगे। ये हॉट वाटर है, यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, H लिखा है, H का मतलब है हॉट वाटर। मैं पासवर्ड लगाया हॉट वाटर का, और इसका मिडिल में जो पासवर्ड का मिडिल है, मिडिल पोर्शन में हम और एक मेजरमेंट करके एक निपिल लगा के, एक एल्बो लगा के, CPVC का एल्बो है, एल्बो लगा के हम इसका मिडिल से स्पाउट का लाइन लेंगे। देखिए इसका मेजरमेंट ऐसे लेना पड़ता है, ऐसे मिडिल से आएगा, ये स्पाउट का लाइन होगा, ये आउटलेट है। इसका मिडिल में आ गया, स्पाउट का लाइन है। और यहाँ से थोड़ा सा मेजरमेंट ले रहा हूँ, यहाँ से हम 1 फुट का एक CPVC पाइप का टुकड़ा हम लेंगे, और जो डायवर्टर है उसका जो नीचे का हिस्सा है उससे हम मिडिल करके एक टुकड़ा लगाएंगे। ये 1 फुट वाला एक टुकड़ा है, अच्छी तरह से सॉल्वेंट लगाना चाहिए क्योंकि कोई लीकेज ना आए। और इसका मिडिल से हम इसका मिडिल बराबर और एक टुकड़ा लेके एक ब्रश एल्बो लगाएंगे,
ये मेरा स्पाउट का लाइन हो गया और यहाँ पर एक पीवीसी प्लग लगा देंगे। और यहाँ पर एक एल्बो लगाएंगे जो पास ओवर है, और इसे कुछ सीधा कर देंगे तो हो गया। अभी मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ काटना पड़ेगा इसका मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट है कहाँ कहाँ काटना पड़ेगा, वो मेजरमेंट हम ले रहा ये वाला जो नाप ले रहा हूँ ये इनलेट का पाइप है, यहाँ पर हम काटेंगे। ये इनलेट हुआ है, यहाँ से देखिए इनलेट वाला पाइप है। अभी हम इसे एक रूडी सार्ज से लगाएंगे, क्योंकि जो पहले वाला पाइप था वो 3/4 इंच का था, ये अभी जो लगाया ये 1 इंच का है। यहाँ पर एक रूडिसर लगा के हम लगाएंगे, यहाँ से गीजर में और थर्मोस्टेट डाइवर्टर में जाएगा, इसलिए हम इसे 1 इंच वाला पाइप लगाया रूडिसर से। और अभी डायवर्टर का मेजरमेंट लेंगे हम, और फिट करेंगे। के अनुसार हम यहाँ पर जो नाप ले रहा है उसका अनुसार हम यहाँ पर काट के लगाएंगे और फुल फिटिंग करेंगे। तो नाप हम ले रहा हूँ इसका, कितना नाप है वहाँ पर, कितना नाप है हम ले लिया, और इसके अनुसार हम यहाँ पर काट के लगा देंगे। तो आप फिटिंग देखते रहिए कैसे हो रहा है। एक मिक्सर का लाइन था 3-in-1 वॉल मिक्सर का, उसे हम हटा के ये वाला थर्मोस्टैटिक शावर मिक्सर लगा रहा हूँ। ये हमारा इनलेट का लाइन है,
यहाँ पर टैंक से पानी आएगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर का लाइन है, यहाँ पर सी लिखा है। इनलेट का लाइन है, ऐसे लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है, हम बाहर निकल के लगाएंगे। फिर से थोड़ा सा सॉल्वेंट लगा दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया, अभी हम इसे पिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इस डायवर्टर का पूरा डिटेल्स, इसका हाइट कितना होगा और शावर का हाइट कितना होगा, स्पाउट का हाइट कितना होगा और हैंड शावर का हाइट कितना होगा, वो फुल डिटेल्स हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर हैंड शावर का लाइन होगा, ये वाला पुराना पाइप है जो लगा हुआ था, उसका एक टुकड़ा हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, ये पुराना वाला पाइप का हिस्सा है, इसे हम यहाँ पर लगाया। ये हैंड शावर का पॉइंट यहाँ से निकला, यहाँ पर एक हैंड शावर होगा, टेलीफोन शावर। और ये पुराना वाला पाइप का शावर का हिस्सा है, इसे हम मेजरमेंट लेके काटेंगे, कितना हाइट में होगा वो देख के हम इस पाइप को काट के यहाँ पर शावर का लाइन करेंगे। इतना सा चाहिए हमें। हमारा शावर का लाइन हो गया, लगभग 7 फुट में है। अभी हम इसे निकाला और फिर ये जो हॉट वाटर का लाइन है वहाँ पर हम पहले जोड़ेंगे, तो कैसे हो रहा है यही हम को दिखा रहे हैं। ऐसे जोड़ना चाहिए, देखिए ऐसे, एक छेनी लेके थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ये सर देखिए, ये देखिए फिट हो चुका है, अच्छी तरह से फिट हो चुका है। तो ये अच्छी तरह से बैठ गया। और ये वाला जो कोल्ड वाटर का लाइन है, हम इसका नाप लिया और इसे काट के देखिए, शावर का लाइन है और ये मेरा पूरा फिटिंग है।
यहाँ पर 3-in-1 वॉल मिक्सचर का लाइन था। तो थोड़ा सा यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसे बाहर खींचना होगा इसे लगाने के लिए। थोड़ा सा हाफ इंच ले लिया, थोड़ा सा हम छाट दिया क्योंकि इसे लगाने के लिए कुछ तो हो गया। देखिए इसका मेजरमेंट हम लेके कटा और यह लगा के हम इसे लगा देंगे। देखिए हो गया, ये वाला पाइप 1 इंच का है। हम यहाँ पर उड़ीसा लगा के 1 इंच किया है। ये मेरा फिटिंग्स हो चुका है, कंप्लीट फिटिंग्स। जो पुराना वाला लाइन था 3-in-1 वॉल मिक्सचर का लाइन, उस लाइन में ये फिट कर दिया। तो अभी हम इसका लेवल देखेंगे। नीचे वाला हिस्सा में टाइल्स लगा हुआ है, उस टाइल्स के लेवल से हम इसका लेवल देखेंगे कितना इसका अंदर होगा और कितना बाहर होगा। तो एक फिटिंग पूरा पूरी फिटिंग कंप्लीट की हो गया। हम एक चाइना क्लिप भी इसमें घुसा दिया क्योंकि इसे इस तरह से देखिए नीचे वाला हिस्सा पे टाइल्स लगा हुआ है, उसका मेजरमेंट लेके और ऑल वॉल पे टाइल्स लगा हुआ है। लेकिन नीचे वाला जो डेटो है वो टाइल्स लगा दिया। यहाँ पर एक छत है, कुछ निकल के कुछ रहा, वहाँ पर एक बेसिन होगा। और यह पर ये जो गीजर का लाइन है टाइल्स लगा हुआ है। गीजर का 2 पॉइंट है, एक इनलेट और आउटलेट कंप्लीट हो चुका है मेरा काम। एक आई प्लस है, यहाँ पर एक वॉल हैंग कोमोट लगेगा। मेरा मेजरमेंट अच्छी तरह से ठीक है। अभी इसे हम मसला लगा के जाम कर देंगे। कंप्लीट मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। वो आउटलेट है, इनलेट है, जो टैंक का पानी है वो इनलेट का लाइन है ये वाला। तो अभी इसे हम सीमेंट बालू से जाम कर देंगे। सीमेंट बालू से हम इसे जाम कर देंगे अच्छी तरह से। जाम करना ज़रूरी है सीमेंट बालू से क्योंकि इधर उधर भाग ना जाए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देखें। इसका फिटिंग्स का मेजरमेंट हम डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।